हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर। और हम एक बेहद ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को लेकर के बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही 3 दिन पहले यानी कि संडे को दिन अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला गया, जिसमें बांग्लादेश ने भारत को 3 विकेट से हराया और पहली बार चैम्पियन बना, जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया और इसका संस्करण रहा 13वां और इसमें 16 देशों के टीम भाग लिया। अब हम बात करेंगे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर के कि आईसीसी ने प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश के 3 प्लेयर और भारत के 2 प्लेयर पर। आचार संहिता के उल्लंघन के लिए आईसीसी ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें शामिल है गलत भाषा का इस्तेमाल, आपत्तिजनक इशारे और 2 वर्षों के लिए ये बैन कर दिया गया है इनको। बांग्लादेश के 3 प्लेयर हैं तौहीद हृदय, शमीम हुसैन, रकीबुल हसन, और भारत के 2 प्लेयर हैं आकाश सिंह, रवि बिश्नोई। और ये रहे आकाश सिंह और ये रहे रवि बिश्नोई। अब यदि हम बात करना चाहें तो ये हैं भारतीय कप्तान प्रियम गर्ग और ये हैं बांग्लादेशी कप्तान और विकेट कीपर अकबर अली। अब हम आईसीसी को लेकर के बात करेंगे। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसके वर्तमान अध्यक्ष या चेयरपर्सन या चेयरमैन हैं शशांक मनोहर और ये रहे शशांक मनोहर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मनु साहनी। इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।